कई शादियां तो आपने देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन से एक अनोखी शादी देखने को मिली। ये शादी लड़का लड़की की नहीं बल्कि गाय और बैल की थी। और इस शादी की खास बात ये थी कि हिंदू रीति रिवाज से बैल और गाय की शादी कराई गई, जिसमें 50 गांव के लोग बराती बने। ग्रामीणों ने इस विवाह का नाम शिव विवाह रखा। शिव विवाह में दुल्हन गौ माता नंदिनी जो महेश्वर निवासी थी और दूल्हा बना बैल नंद किशोर देवत गांव शिरपुर महाराष्ट्र से अपनी दुल्हन लेने पहुंचा। दुल्हन गाय और दूल्हे की उम्र 12 महीने बताई जा रही है। सतगुरु भगवान, मैंने ऐसे सुना था कि मैंने कीड़ा कीड़ी की शादी कराने सोचा था। जब से गुजरात छोड़ के मैंने आया था उधर से, तो मैंने सब लोग किया था कि मैं महेश्वर अनुष्ठान करूंगा, अनुष्ठान करके मैं केड़ा केड़ी की शादी करूंगा अभिनय करने का है। तो केड़ा केड़ी के ऐसे बोल रहे महत्व ऐसे कि पहले ऋषि मुनियों साधु लोग वो भी केड़ा केड़ी की शादी बोल रहा था। कोई शिव युवा तो शिव युवा वो नहीं है, वो केड़ा केड़ी की शादी बोलते। तो शंकर भगवान का महादेव का है, पोठिया का है, उसका नंदी बोलता है, तो उसमें महादेव खुद राजी होता है, तो उसमें क्या प्रसन्न होता है महादेव भगवान। तो मेरा खुद अंदर से मेरा महादेव को कृपा हो, तो इसके लिए मेरे केड़ा केड़ी की शादी हुआ। तो विवाह वाला है वो कच्छ में से आया है, और जान वाला है महाराष्ट्र में से आया है। इसके लिए मेरे को सब लोग सदगुरु की कृपा से और मैया से कृपा से इतना मेरे को उधर ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एमपी में महेश्वर में अहिल्या माँ की परम भूमि है कि अहिल्या माँ हो गया, परशुराम हो गया उधर ही। तो मेरे को ऐसे हुआ केड़ा केड़ी की शादी करने का है। इसके लिए सब अभी हमारा सब समाज लोग है, सब भक्त लोग है, इसके लिए अभी सब हमारा गुरु महाराज भी है, सब माता जी भी है, सब साधु संत है, सब मिल के आया है। तो केड़ा केड़ी की शादी करके बाद में मैं गुजरात चले जाऊंगा। मैं गुजरात रहता हूँ, उधर आश्रम भी है। तो बाद में यहाँ पर शादी में कितने लोग लगभग आए? लगभग तो अभी तो 2000 जितने 2000 तो ऊपर 2000-3000 हो जाए जिस संख्या है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह से आए? नहीं, गुजरात से भी आया, महाराष्ट्र में भी आया और मध्य प्रदेश का भी है। जो जहाँ से मामेरा आया है जजमान का नाम बताएं? जजमान का नाम रमसोड़ भाई है। रत्नाल गांव? हाँ, वही गांव आहिर रत्नाल गांव। वो कस भूज से आया। और बारात कहाँ से आई? बारात आई है महाराष्ट्र में से आई है, सिरपुर चौपड़े से आई है। वो भी सब उधर से महाराष्ट्र में। जजमान सब लोग है, विभा भाई भी है और सब मालधारी समाज है उसमें सब है, वो आ जाता है। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम लिखते है राणा भगत बोल रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।